चीन विवादित दक्षिणी चीनी सागर और जापान के साथ लगे विवादास्पद द्वीपों की निगरानी और मैपिंग के लिए स्वदेश में तैयार ड्रोन तैनात करने की योजना बना रहा है। चीन के सरकारी समाचार पत्र पीपल्स डेली ने चाइना टॉप आरएस टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड के जनरल मैनेजर ली यिंग चेंग के हवाले से कहा कि साउथ चाइना सी और शेकांगकू आइलैंड्स की निगरानी और मैपिंग के लिए चीन स्वदेश में डिजाइन किए गए ड्रोन को तैनात करने में सक्षम है। आपको बता दें कि चीन और जापान दोनों पूर्वी चीन सागर में स्थित शेंकाकू आइलैंड्स पर दावा करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन तटीय रेखा से 80 नॉटिकल मील तक के जल क्षेत्र पर पूरी तरह से नजर रख सकता है, जबकि तटरेखा से 1500 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में आंशिक रूप से नजर रखी जा सकती है। चीन लगभग पूरे दक्षिणी चीन सागर पर अपना दावा करता है। चीन का कहना है कि उसके पास कुल 12,186 द्वीप समूह हैं। इनमें से कई द्वीप मुख्य भूमि से 1000 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित हैं।